लक्ष्य विहीन जीवन। हमारा लक्ष्य क्या है इसका हमें पता तक नहीं, यही आश्चर्य का विषय है। सभी लोग धन बटोरते हैं, पर उसका हेतु क्या है इसका उत्तर विरले ही ठीक से दे सकेंगे। सभी करते हैं तो हम भी करें, सभी खाते हैं तो हम भी खाएं, सभी कमाते हैं तो हम भी कमाएं। इस प्रकार अंधानुकरण की वृत्ति ही हमारे विचारों और क्रियाओं की आधारशिला प्रतीत होती है। आखिर कमाई एवं संग्रह क्यों और कहां तक, इसका भी तो विचार होना चाहिए। पर हम चैतन्य शून्य, लक्ष्य विहीन एवं यंत्रवत जड़ से हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पर हमें विचार का अवकाश कहां। जिस प्रकार कहां जाना है ये जाने बिना कोई चलता ही रहे तो इस चलते रहने का क्या अर्थ होगा। लक्ष्य का निर्णय किए बिना हमारी क्रिया निरर्थक होगी। जन्म लेते हैं, इधर उधर थोड़ी हलचल मचाते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम अनादिकाल से चला रहा है। आखिर ये जन्म धारण क्यों और ये मृत्यु भी क्यों, क्या इनसे मुक्त होने का भी कोई उपाय है? यदि है तो वो कौन सा और उसकी साधना कैसे की जाए, इस पर विचार करना परमावश्यक है। ये तो निश्चित है कि मरना अवश्यंभावी है, इसीलिए लक्ष्य को निर्धारित कर उसी तक पहुंचने के लिए प्रगतिशील बना जाए। समय को व्यर्थ न खोकर प्राप्त साधनों को लाभ के अनुकूल बनाया जाए और लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लिया जाए, यही हमारा परम कर्तव्य है। अखंड ज्योति, नवंबर 1948, पृष्ठ 15। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।